सभी साथियों को गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़िएगा सभी साथी, हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। हमारा ये दूसरा सेशन है साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी का। हम लोग जितने भी नवीनतम जो गुड इवनिंग सभी साथियों को गुड इवनिंग, फटाफट से जुड़िएगा। ये हमारा दूसरा सेशन है साथियों, किसका? राजस्थान का ज्योग्राफी का। हम लोग नई जो ज्योग्राफी है, नए जो जिले बने उसको बेस के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट साथियों? चलिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट? चलिए, है ना सभी साथी, फटाफट से जुड़िएगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा आपको कल की क्लास का, फिर हम लोग नया जितना भी हमारे पास में जो भी नई बातें हैं उन सबको सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे, राइट साथियों? तो सभी साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए राइट साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों देखिएगा, मैंने कुछ बात आपको बताई, मैं आपको ऐसे ऑरली बता देता हूँ एक बार, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले राजस्थान वर्तमान समय में 50 जिले और 10 संभागों से मिलकर बना है, राम लुबाया समिति की सिफारिश पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी साथियों को, ठीक है साथियों? क्या कि हमारे राम लुबाया समिति की सिफारिश पर क्या किया गया साथियों, यानी कि जिले बनाए गए, ठीक है? किस समिति की सिफारिश पर? तो राम लुबाया समिति की सिफारिश पर। ये हमारे पांचवा जो हमारा राज्य निर्वाचन जो आयुक्त थे, मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों? तो आपको कोई पूछे बताओ राम लुबाया कौन थे, तो क्या बोलोगे साथियों? पांचवे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राइट? चलिए, इसके बाद और क्या ध्यान रखेंगे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो बांसवाड़ा, सीकर और पाली, कौन कौन से? बांसवाड़ा, सीकर और पाली, तीन नए हमारे यहाँ पर संभाग बनाए गए। इसके अलावा 21 मार्च 2022 को यह समिति का गठन हुआ, यानी कि 17 मार्च 2023 को नए जिलों का यानी कि घोषणा की गई, फिर अधिसूचना जारी 5 अगस्त को हुई, और अधिसूचना प्रभावी कब से हुई साथियों, आपको ध्यान रखना है कब? तो साथियों 7 अगस्त 2023 को। फिर हम लोगों ने देखा कि कितने जिलों का पुनर्गठन हुआ, तो वहां मैंने आपको बताया था साथियों 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया और 19 नए जिले बने, वो सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख ली थी, ठीक है साथियों? चलिए अब हम साथियों क्या देखने वाले हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हमारी जो क्लास रहेगी, इसके अंदर हम लोग जितने भी जिले नए बने हैं साथियों, जिन जिलों का पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के बाद जो नए जिले बने हैं साथियों, उनमें जिन जिलों का पुनर्गठन किया गया, क्या बोल रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनिए, जो नया जिला बना उसमें जो पुराने जिले का क्या किया गया साथियों, पुनर्गठन करके नया बना, तो उस पुराने जिले की कौन कौन से ब्लॉक और कौन कौन सी जो तहसील है वो नए जिले में यानी कि शामिल की गई, ठीक है साथियों? उसको देखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? तो कौन कौन सा ब्लॉक और कौन कौन सी तहसील है, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर संभाग के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर पहले 7 संभाग थे, जोन कितने थे साथियों? 7, लेकिन अब बढ़कर कितने हो गए साथियों? 10 हो गए। तो हमारे को एक बार संभाग की पुरानी व्यवस्था देखनी पड़ेगी और नवीन व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, फिर हमारे को वहां पर कंपेरिजन करना पड़ेगा। क्या कंपेरिजन करना पड़ेगा साथियों? तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पुराने जो संभाग है उसमें से बहुत सारे ऐसे जिले हैं उनको वहां से उस संभाग से दूसरे संभाग में शामिल कर दिया गया है, ठीक है साथियों? और उसके अलावा जो हमारे पुराने संभाग है उसमें नए वाले जिले भी उसमें मर्ज किए गए और नए संभाग बने, उसमें भी जो जिले पुराने संभाग में थे उसमें से नए संभाग में रखे गए। सारी बातों को समझने से पहले आपको पुराने संभाग की व्यवस्था को देखना अति जरूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पहले ये जिला इस संभाग में था, अब उस संभाग में चला गया है, ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट, जो नए जिले बने उनको कौन से संभाग में रखा गया है, जो नए संभाग में बने उसमें कौन कौन से जिले हैं, और पुराने जो संभाग हैं उसमें कौन सा नया जिला ऐड किया गया है। तो हमारे को यहाँ पर तीन बातें देखनी है। क्या बात देखनी है संभाग में? तो संभाग में साथियों आप ध्यान रखना, पुराने संभाग में कौन सा जिला पुराने संभाग से निकाला गया, राइट साथियों, और उसे दूसरे संभाग में डाला गया, ठीक है साथियों? और उस पुराने संभाग में नया जिला कौन सा शामिल किया गया, वो अपने को ध्यान रखना है, और नए संभाग बने उसमें कौन कौन से जिले, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है साथियों? चलिए, तो सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है कि हमारे नवीन पुरानी जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था साथियों? पुरानी जो हमारी व्यवस्था है उसको देखो सबसे पहले, राइट साथियों? अभी आप यूं कहोगे गुरु जी पुराने 7 क्यों बता रहे हो, उसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पुराने आपको यहाँ पर संभाग क्यों बता रहा हूँ, राइट साथियों? चलिए सबसे पहले पुराने संभाग की बात करते हैं, ठीक है? पुराने संभाग एक एक को हम लोग देखने वाले हैं। पुराने संभाग कितने थे? 7। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात बाद में पता चलेगी, गुरुजी ने बताया उसका कुछ कारण रहा होगा, ठीक है साथियों? समझिए, पुराने संभाग 7,
सबसे पहले हम लोग लेंगे जिस संभाग, वो है जयपुर संभाग। कौन सा साथियों? जयपुर संभाग। अगर आप देखोगे तो जयपुर संभाग की स्थिति क्यों बता रहा हूं उसका कारण भी आपको समझ में आएगा। साथियों जयपुर जो हमारा संभाग है, इसमें पहले जब जयपुर संभाग हमारा पुराना वाला था उस समय इसके अंदर टोटल 5 जिले आते थे। कौन कौन से साथियों? आप देखिएगा, एक तो जयपुर, कौन सा सबसे पहले? जयपुर। उसके बाद दौसा, कौन सा आता था साथियों? दौसा। फिर कौन आता था साथियों? सीकर। कौन कौन सा? सीकर। तो एक तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर। कौन सा आता था साथियों? फिर अलवर। और फिर आपका झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। कितने साथियों? तो आपको ध्यान रखनी है जयपुर संभाग में पहले जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें टोटल मिलाकर के 5 जिलों से मिलकर बना था जयपुर संभाग। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। चलिए साथियों दूसरे को देखिए। राइट साथियों, दूसरा जो है साथियों, दूसरे को ध्यान रखना, दूसरा भरतपुर को देखो। कौन सा? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। तो भरतपुर की जब हम लोग बात करते हैं भरतपुर संभाग में, इसमें 4 जिले। कितने? 4 जिले। कितने जिले साथियों? तो इसके अंदर 4 जिले। कितने जिले? 4 जिलों से मिलकर बनाए, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। उसके बाद कौन सा है? भरतपुर के बाद में एक भरतपुर, फिर सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। उसके अलावा और कौन सा साथियों? सवाई माधोपुर। उसके अलावा और कौन सा है? करौली। कौन सा? करौली। और फिर है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। इन चारों से मिलकर बना है कौन सा? कौन सा साथियों? तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर संभाग। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। राइट साथियों, चलिए तीसरे संभाग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो संभाग है उसका नाम लिखिएगा। तीसरा संभाग है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। ठीक है साथियों, बीकानेर संभाग। कौन सा? बीकानेर संभाग। ये सारी मैं पुरानी व्यवस्था बता रहा हूं, इसके बाद मैं नवीनतम जितने भी संभाग है उसके सारे जिले बताऊंगा। ठीक है, चलिए, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। बीकानेर में 4 जिले। कितने जिले? ये पुरानी व्यवस्था बता रहा हूं पहले साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। ठीक है साथियों, बीकानेर, फिर श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। ठीक है साथियों, गंगानगर। उसके बाद आप देखोगे इसके बाद चूरू। कौन सा? चूरू। ठीक है साथियों, और फिर कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। ऐसा कुछ हमारा पहले क्या था साथियों, आपको ध्यान रखना है, हमारा बीकानेर था। क्या था साथियों? बीकानेर। राइट साथियों, चौथे नंबर पर आप देखो बीकानेर के बाद अगला है कोटा। कौन सा? कोटा। आप ध्यान रखना, कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिसमें किसी भी प्रकार की, और कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में किसी भी प्रकार का पुनर्गठन नहीं हुआ है। इनको तोड़कर कोई भी जिला नहीं बनाया गया है, इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, कोटा संभाग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ दर्ज नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। कोटा में पहले भी 4 थे, आज भी 4 है, वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़। कौन सा? कोटा, बूंदी। कौन सा? कोटा, बूंदी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा? बारा और झालावाड़। ठीक है साथियों, बारा और झालावाड़। ठीक है साथियों, राइट। चलो ये हो गए कितने? 4। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। ठीक है, 5वें नंबर पर हम लोग देखेंगे कोटा के बाद हमारा है अजमेर। कौन सा? अजमेर। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। कौन सा? 5वां नंबर का हमारा संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में आप देखेंगे साथियों, अजमेर संभाग में 4, कितने? 4 जिले पहले थे। कितने? 4। अन्ना भीटो। कौन कौन? अन्ना भीटो। कौन से? ए अन्ना भीटो। कौन? अन्ना भीटो। कौन कौन अन्ना भीटो में कौन कौन है? एक तो है अजमेर। कौन सा? अजमेर। ना से नागौर। कौन सा? नागौर। बी से भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। और टॉ से क्या हो जाएगा साथियों? टॉ। क्या हो जाएगा? टॉ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ हमारा पहले अजमेर संभाग था साथियों। मैं क्यों बता रहा हूं उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कि गुरुजी ने पुरानी व्यवस्था क्यों बताई है। साथियों जब कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो चीज को बड़ी तसल्ली के साथ में चीजों को समझते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है, चीजों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको पुराने संभाग पढ़ा दूंगा, नवीन व्यवस्था बताऊंगा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अभी आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 6ठा जो संभाग है उसका ध्यान रखना, उसका नाम है जोधपुर संभाग। कौन सा साथियों? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग। ठीक है साथियों, जोधपुर संभाग। राइट, जोधपुर संभाग में आपको ध्यान रखना है कितने? 6 जिले। कितने? 6 जिले। कौन कौन से हैं? देखो एक तो हो गया जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के बाद जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर।
बाड़मेर के बाद कौन सा हो जाएगा पाली, कौन सा पाली, और पाली के बाद हो जाएगा जालोर, कौन सा जालोर, और फिर हो जाएगा आपका सिरोही। ठीक है साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें क्या हो गई है साथियों, परिवर्तित हो गई है। अभी मैं जस्ट आपको सारे कंपैरिजन बताऊंगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो जोधपुर में जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, पाली और कौन सा है साथियों आपका जालोर, ये सारे आ गए राइट साथियों। चलिए लास्ट हमारा जो संभाग है ध्यान रखना कौन सा है, सातवां और अंतिम हमारा जिल्लों की नगरी उदयपुर, कौन सा साथियों जिल्लों की नगरी उदयपुर संभाग, कौन सा उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग में कितने जिले, तो पहले कितने थे साथियों छह, कितने छह, कौन कौन से साथियों, पुरानी व्यवस्था है ये सारी, कितने छह। ठीक है साथियों, सबसे पहले उदयपुर, कौन सा नंबर वन उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद आपको ध्यान रखना है राजसमंद, कौन सा राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़, कौन सा चित्तौड़गढ़, ठीक है साथियों चित्तौड़गढ़, उसके बाद आएगा आपका चित्तौड़गढ़ के बाद आ जाएगा बांसवाड़ा, कौन सा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद कौन सा है साथियों, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, कौन सा प्रतापगढ़, और फिर आपका है डूंगरपुर। ठीक है साथियों, मैंने ये सारी व्यवस्था क्यों बताई है, अभी मैं आपको सारी बातें अभी बताने वाला हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे बता दो। ये सारी हमने पुरानी व्यवस्था को देखा है, अब मैं नवीन व्यवस्था की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ राइट साथियों। चलिए ऑल क्लियर साथियों, यहां तक मुझे बता दो ऑल क्लियर है साथियों, सभी साथियों का ऑल क्लियर है क्या, फटाफट से मुझे सभी साथी बता दो ऑल क्लियर है साथियों, ऑल क्लियर है मुझे बता दो ऑल क्लियर। चलिए अब मैं नवीन व्यवस्था की तरफ आपको मोड़ रहा हूं, वहां लेकर के चलता हूं, 50 के 50 सभी जिलों को मैं यहां पर कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। सुनो साथियों, अभी आप यहां पर देखोगे, सबसे पहले मैं जयपुर संभाग के बारे में आपको बताता हूं। देखो हमारा जो जयपुर संभाग है वर्तमान समय में, इस जयपुर संभाग में आप देखोगे ये सीकर नजर आ रहा है आपको, सीकर और झुंझुनू ये दोनों शेखावटी क्षेत्र के, ये दोनों इस जयपुर संभाग से बाहर चले गए, आपको ध्यान रखना है ये दोनों सीकर संभाग में चले गए, कौन से सीकर संभाग में चले गए, गए कि नहीं गए साथियों, ये दोनों कहां चले गए सीकर संभाग में चले गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए उसके अलावा जब आप यहां पर देखोगे जयपुर के अंदर, तो जयपुर में आपका जयपुर तो यही ऐसा ही है, दोसा भी है, अलवर भी है, ये तीनों पुराने तो पहले थे, आज भी इसी संभाग में, सीकर और झुंझुनू यहां से निकल गए, और इसमें तीन तो ये हो गए, चार नए और जुड़ गए, कितने चार, जयपुर संभाग में चार नए जिले जुड़ गए, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, देखो आपको ध्यान रखना, एक तो हमारा हो जाएगा कौन सा, देखो एक तो जयपुर शहर, कौन सा जयपुर के अंदर जयपुर शहर हो गया, ठीक है वो तो जयपुर के नाम से है, वो तो यहाँ पे आ ही गया, उसके बाद देखो आपका कौन सा जयपुर ग्रामीण, कौन सा एक जयपुर ग्रामीण आपका जुड़ जाएगा, उसके अलावा आपका देखो जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बारोड, कौन सा कोटपुतली बारोड, इसके अंदर आपका और जुड़ जाएगा, उसके बाद खेरथल तिजारा इसमें और जुड़ेगा, और जयपुर से अलग हुआ कौन सा साथियों आप जानते हो दूधू जिला, ठीक है ये सारे किसमें जुड़ जाएंगे जयपुर संभाग में। तो जयपुर संभाग की वर्तमान क्या व्यवस्था है उसको सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सीकर और झुंझुनू इसमें से निकल गए, ये किसमें चले गए सीकर संभाग में, इसकी जगह दूसरे नए आकर के जुड़ गए, ठीक है तो उसको देखते हैं। अब हमारी आएगी नवीन व्यवस्था, कौन सी आएगी साथियों, नवीन क्या व्यवस्था है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है नवीन संभागीय व्यवस्था। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नवीनतम संभागों की संख्या कितनी है 10, कितने 10 संभाग है, इसको आप रट लेना साथियों, ठीक है चलो। ठीक है, छोटे एग्जामों में ऐसे प्रश्न बार बार आपको पूछे जाएंगे राइट साथियों। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो हम संभाग देखने वाले हैं उस संभाग का नाम है जयपुर संभाग, कौन सा जयपुर संभाग, समझना जयपुर संभाग। ठीक है साथियों, जयपुर संभाग। ठीक है साथियों, मैं एक एक आपको डिटेल से बता रहा हूं कितने हो गए इसके अंदर टोटल 7 जिले, कितने जिले बच्चों ध्यान रखना 7 जिलों से मिलकर बना है कौन सा जयपुर संभाग, ये हमारी वर्तमान स्थिति है। पहले कितने थे, तो पहले आप जानते थे इसके अंदर 3 तो वो और 2 5, ठीक है अब कितने हो गए 7। सुनो कौन कौन से जयपुर संभाग के अंदर, एक तो देखो जयपुर शहर बोलो या जयपुर क्या कह सकते हो, जयपुर शहर बोलो या जयपुर एक ही बात है, जयपुर शहर सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है जयपुर शहर। उसके बाद दौसा पहले भी था आज भी है, अलवर पहले भी था आज भी है, ठीक है ये बात तो आपको ध्यान है, जयपुर का जयपुर शहर लिख दिया है ये बात आपको ध्यान रखनी। अब देखो हमारे पास नए कौन से जुड़े, सुनो साथियों जयपुर शहर से अलग हुआ यानी कि जयपुर से अलग हुआ जयपुर ग्रामीण, तो जिला जिला है तो जयपुर ग्रामीण इसके अंदर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा जयपुर ग्रामीण आ जाएगा।
फिर आपको पता है इसी जयपुर का भाई है तो जयपुर ही है, जयपुर के टुकड़े हो गए, जयपुर से ही बना कौन सा दूधू, कौन सा बना साथियों दूधू, कौन सा बना दूधू जिला, कौन सा दूधू, तो दूधू जिला भी इसमें शामिल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद देखो इसी जयपुर से अलग हुआ आपका कौन सा, तो आप कहोगे साथियों इससे अलग हुआ कोटपुतली बरौड, कौन सा कोटपुतली बरौड। मैंने बार बार आपको मैं बता रहा हूं आपकी जो बेरार सभ्यता है, बेरार सभ्यता जो लोहकालीन सभ्यता है, ध्यान रखना साथियों मैंने जिले लिखवा दिए ठीक है साथियों। मैंने जितने 19 नए जिले बने जो पिछली क्लास हमारी पहली थी उसमें सारी बातें मैं कर चुका हूं साथियों, 19 नए जिले कौन कौन से बने सबको हमने डिटेल से लिख दिया है, आप वहां से देखिएगा अपूर्व जी ठीक है। चलिए राइट क्या बोल रहा हूं, तो यहां से जयपुर दूसरा अलवर, जयपुर से अलग हो गया जयपुर शहर, जयपुर से जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अलग हुआ दूधू, जयपुर से बना कोटपुतली बरौड, कौन सा कोटपुतली बरौड। साथियों एक और कौन कौन सा बचा, तो देखो एक रहा अलवर, अलवर से अलग हुआ है खैरथल तिजारा, हुआ कि नहीं हुआ, तो खैरथल तिजारा भी इसी के अंदर आ जाएगा, इसमें खैरथल तिजारा कौन सा, खैरथल तिजारा कौन सा साथियों, खैरथल तिजारा कौन सा, खैरथल तिजारा कौन सा, खैरथल तिजारा। साथियों कोई भी चीज रटनी नहीं है, जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसमें रटनी जैसी कुछ बात ही नहीं है साथियों। देखो साथियों अलवर, अलवर का ही तो भाग अलग हुआ है, कौन सा खैरथल तिजारा, तो ये अलवर अगर जयपुर संभाग में तो इसका टुकड़ा भी तो यही आएगा ठीक है, जयपुर के जितने भी टुकड़े हुए यही तो आएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसके अंदर दो जिले, एक तो सीकर और एक झुंझुनू, ये दोनों ही कहां चले गए, सीकर संभाग में चले गए। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों, कौन सा हमारा जयपुर संभाग है। ऑल क्लियर है साथियों, मुझे एक बार लिखो बताओ साथियों, ऐसे रटना कुछ भी नहीं है, एक बात आप इसे ध्यान रखिए। चलो दूसरे संभाग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जयपुर संभाग हो गया, हम दूसरे संभाग की तरफ जा रहे हैं, उस संभाग का नाम लिखिए जोधपुर संभाग की तरफ जा रहे हैं ठीक है। नंबर दो जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग ठीक है। जीवन में चीजों को रटो मत, चीजें सारी कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छे से विकसित होनी चाहिए। जोधपुर संभाग के अंदर देखो साथियों मैं आपको बता दूं, जोधपुर संभाग के अंदर देखो एक तो हमारा जोधपुर तो रहेगा ही रहेगा, सुनना साथियों एक एक बातों को ध्यान से। तो ये नंबर वन, सबसे पहले इसके अंदर आप देखोगे छह जिले, कितने जिले, छह जिले ठीक है साथियों, छह जिले कौन कौन से देखो, सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जोधपुर, कौन सा जोधपुर बोलो या जोधपुर शहर बोलो एक ही बात है, नंबर एक ठीक है। इसी का टुकड़ा हो गया जोधपुर शहर ठीक है, ये शहर इसका टुकड़ा हुआ। नंबर दो पर आपको ध्यान रखना है, इसका टुकड़ा हुआ बना जोधपुर ग्रामीण, क्या बना साथियों जोधपुर ग्रामीण, राइट साथियों ग्रामीण। अब साथियों आपको पता है जोधपुर का और टुकड़ा हुआ, जोधपुर से बना फलोदी, बनाक नहीं बना साथियों फलोदी, अरे बनाक नहीं बना फलोदी बना। फिर देखो इसके पास में जैसलमेर, कौन सा जैसलमेर, जैसलमेर में कोई भी चेंज नहीं है, आपको ध्यान रखना है कौन सा जैसलमेर से, जैसलमेर में कोई भी चेंज नहीं है, जैसलमेर पहले भी यही था आज भी यही पर है, ध्यान रखना जैसलमेर। फिर आओ साथियों आप यहां पर देखोगे जैसलमेर के बाद में अगला जो आपका हो जाएगा वो है आपका बाड़मेर, कौन सा बाड़मेर साथियों, बाड़मेर, और बाड़मेर से अलग होके बना बालोतरा, कौन सा साथियों बालोतरा। रटने जैसी कोई चीज नजर आई कि आपको, कुछ भी आया ही नहीं साथियों, जो जिला पहले था वही है ठीक है साथियों, इसमें से कुछ जिले बाहर निकल गए, वो कौन सा निकला साथियों, एक तो आपको पाली नजर नहीं आ रहा है, आपको इसमें जालोर नजर नहीं आ रहा है, और आपको सिरोही नजर नहीं आ रहा है। तो साथियों आप ध्यान रखिए, जो आपका पाली, जो आपका जालोर और आपका कौन सा सिरोही, इनको ये जो है इनको पाली, इसमें से पाली निकाल दिया, पाली जालोर और साथियों सिरोही इस जोधपुर संभाग से निकल गए, निकल करके इनको किसमें डाल दिया साथियों, पाली संभाग में डाल दिया, और पाली संभाग में आपको ध्यान रखना है पाली संभाग में एक और जुड़ गया सांचौर ठीक है। ऐसा हमारा कुछ क्या बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कौन सा बन जाएगा साथियों, हमारा पाली संभाग बना दिया, मतलब जोधपुर संभाग को तोड़ करके पाली संभाग बनाया गया है, राइट साथियों। तो ऐसे हमारे क्या बने, जोधपुर संभाग में छह जिले हैं, जोधपुर शहर से ग्रामीण बना, जोधपुर से फलोदी बना, जैसलमेर है वैसा का वैसा, और बाड़मेर है वैसा वैसा, उससे निकला बालोतरा, ऐसे हमारे छह जिले बन गए। ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है साथियों, कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखो इसी जोधपुर संभाग से बना पाली संभाग, तो हम उसको लिख देते हैं, पाली संभाग में कौन कौन आ जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नंबर तीन पर पाली संभाग, कौन सा पाली, पाली संभाग, पाली संभाग में क्या है, मैंने अभी बताया जोधपुर संभाग से अलग हुआ है, इसके अंदर टोटल चार जिले आ जाएंगे, आप सभी को पता है चार जिले ठीक है, कौन कौन सा, एक तो आ जाएगा खुद पाली, कौन सा
पाली खुद आ जाएगा, पहले जोधपुर संभाग में था, अब इसको किसमें मिला दिया गया है, पाली। दूसरा हो जाएगा आपका जालोर, कौन सा, जालोर, और जालोर का एक टुकड़ा हुआ बना सांचोर, क्या बना, सांचोर। और पहले भी, पहले आपको पता है जोधपुर संभाग में था सिरोही, अब किसमें आ गया, सिरोही, कौन से में आ गया, सिरोही, और ऐसा कुछ हमारा क्या बन गया, पाली संभाग। रटने जैसी कोई बात ही नहीं है, हमारा जालोर, पाली और सिरोही ये जोधपुर संभाग के थे, इनको पाली में डाल दिया, और जालोर से ही अलग हुआ है कौन सा, सांचोर, तो इसको भी इसमें रखा गया है। ऐसा कुछ हमारा है पाली संभाग, ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है, हमारा ऐसा है पाली संभाग जिसमें पाली, जालोर, सांचोर और सिरोही चार जिले आते हैं। कितने जिले, चार जिले, कितने, चार जिले यहां पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अगला है हमारा, ध्यान रखिएगा चौथे नंबर पर, आप इसे ध्यान रखिए, चौथे नंबर पर हम लोग जिसे पढ़ने वाले वो है उदयपुर संभाग, कौन सा, उदयपुर संभाग, ठीक है, उदयपुर संभाग, राइट साथियों। चलिए उदयपुर संभाग की क्या व्यवस्था है, आप ध्यान रखिएगा, उदयपुर संभाग में वर्तमान समय में जो जिले हैं उदयपुर में पांच, कितने, पांच साथियों, कौन कौन से हैं, तो देखो पुराने था एक तो उदयपुर, तो आज भी है, पहले भी था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ पहले भी था, आज भी है, ठीक है, चित्तौड़ पहले भी था, आज भी है, दो तो आपको ये ध्यान रखने, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है उदयपुर से टुकड़ा हुआ, किसका, उदयपुर से टुकड़ा हुआ सलुम्बर का, तो सलुम्बर इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, सलुम्बर इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद सलुम्बर के बाद आप देखो राजसमंद, कौन सा, राजसमंद, कौन सा, राजसमंद, राजसमंद। साथियों आपको ध्यान रखना है पांचवे नंबर पर आपका अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में अजमेर कौन कौन से थे, अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अजमेर संभाग में कौन कौन से थे, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। तो अजमेर संभाग का जो भीलवाड़ा जिला था उसको निकालकर अब उदयपुर में शामिल कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्या बोला, उदयपुर संभाग में आ गया अब भीलवाड़ा, पहले भीलवाड़ा अजमेर संभाग में था, अब कौन से संभाग में चला गया है, उदयपुर संभाग में। ऐसी व्यवस्था है उदयपुर संभाग की, ठीक है साथियों, इसमें से आपको ध्यान रखना है तीन जिले यहां से निकाल दिए गए हैं, कौन से साथियों, तो आपको ध्यान रखना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, तीनों को यहां से क्या कर दिया गया है, यहां से निकाल के नया संभाग बना दिया है, नाम है बांसवाड़ा संभाग, ठीक है साथियों। दो नए जुड़ गए हैं, उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद पहले भी थे, आज भी हैं, उदयपुर से टुकड़ा हुआ किसका, सलुम्बर का, सलुम्बर इसमें आ गया, और अजमेर संभाग के भीलवाड़ा को ले जाकर किसमें मिला दिया है, उदयपुर संभाग के अंदर मिला दिया है। तो आई होप साथियों आपको ये बात सारी जो भी मैं बता रहा हूं सारी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो हमने उदयपुर संभाग से बनाया कौन सा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। तो साथियों हम लोग अब बांसवाड़ा संभाग को देख लेते हैं, किसको देख ले, बांसवाड़ा संभाग को नंबर पांच पर, कौन सा, बांसवाड़ा संभाग, राइट साथियों। चलिए बांसवाड़ा संभाग, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा जो संभाग है साथियों, बांसवाड़ा संभाग हमारा सबसे कम जिलों वाला संभाग है, ठीक है, सबसे कम जिलों वाला संभाग है। इसमें टोटल आपको ध्यान रखना है टोटल तीन जिले आएंगे, कितने, सिर्फ तीन जिलों से मिलकर बना है बांसवाड़ा, नंबर वन बांसवाड़ा, दूसरा बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा दूसरा है डूंगरपुर, और तीसरा है प्रतापगढ़, कौन सा, डूंगरपुर, कौन सा साथियों, डूंगरपुर, कौन सा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर, कौन सा, डूंगरपुर, ठीक है, और फिर कौन सा हो जाएगा आपका नंबर तीन, कौन सा साथियों, आपका प्रतापगढ़, कौन सा, प्रतापगढ़, राइट साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये माही वाला एरिया है, छप्पन का मैदान ये भाग वाला एरिया है, बांसवाड़ा नया संभाग बना है, उदयपुर को तोड़ के बनाया गया है, राइट साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग भरतपुर की तरफ चल रहे हैं, अगला हमारा जो है वो है भरतपुर संभाग, कौन सा, नंबर छह पर भरतपुर संभाग, कौन सा साथियों, भरतपुर संभाग को देखेंगे, किसको, भरतपुर संभाग को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, भरतपुर संभाग। सुनो साथियों, भरतपुर संभाग के अंदर, भरतपुर संभाग की अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर संभाग में कुल मिलाकर के छह जिले, कितने, छह जिले आ गए, कितने जिले, छह जिलों से मिलकर बना है, कौन साथियों, तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर मिलकर बना है, ठीक है साथियों, ये बात आप इसे ध्यान रखिएगा। सुनो साथियों, इसके अंदर पुराने चार जिले जैसे थे वैसे के वैसे आज भी है, दो नए जुड़ गए, ठीक है साथियों। तो पहले आपको ध्यान रखना है भरतपुर पहले भी था आज भी है, ध्यान रखना, पर आपको ध्यान रखना इस भरतपुर से, सुनो साथियों, इस भरतपुर से एक नया जिला बन गया डिग, अरे भाई कौन सा, डिग, तो डिग इसमें शामिल हो गया। इसके अलावा भरतपुर पहले था आज, साथियों आपको ध्यान रखना है इसमें सवाई माधोपुर, कौन सा, सवाई माधोपुर पहले भी था आज भी है, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले भी था
आज भी है ये व्यवस्था, ध्यान रखनी है। उसके बाद धौलपुर पहले था, आज भी है, करौली पहले भी था, आज भी है, ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, करौली और सवाई माधोपुर, क्या बोला, करौली और सवाई माधोपुर के कुछ पार्ट को लेकर हमने एक नया जिला और बनाया, उसका नाम है गंगापुर सिटी। कौन सा, गंगापुर सिटी को बनाया साथियों, आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब भरतपुर में चार की जगह छह हो गए, कितने हो गए, चार की जगह पर छह हो गए, कितने, छह, कौन कौन से, भरतपुर पहले था, सवाई माधोपुर भी था, धौलपुर भी था, करौली भी था, दो नए जुड़ गए, सवाई माधोपुर और करौली वाले पार्ट से एक बनाया गया, कौन सा, गंगापुर सिटी, और भरतपुर से अलग करके बनाया गया डी। इस प्रकार से हमारा ये कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगला हमारा संभाग है, उस संभाग का नाम है कोटा संभाग। साथियों कोटा संभाग है नंबर सात नंबर पर, है ना साथियों, कौन से नंबर पर, सात पे तो हो गया हमारा, कौन सा, सात पर उदयपुर संभाग हो गया, ठीक है। चलिए उसके अलावा और देखो साथियों कौन कौन से, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए साथियों, चलिए ये तो पुराने संभाग बता दिए पहले, पुरानों के बाद में आप लोग यहां पर देखिएगा, ठीक है, उदयपुर संभाग कितने हो गए साथियों, कितने संभाग अभी तक मैंने बता दिए, मुझे एक बार बताइएगा फटाफट से, बताओ कितने संभाग हम लोगों ने देख लिए साथियों, हमने अभी तक साथियों पांच और एक छह संभाग देख लिए, अब सातवां देखना है, राइट साथियों, छह देख लिए हैं, सातवें की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब देखो सातवां, सातवां कौन सा है साथियों, तो सातवां आप ध्यान रखिएगा, सातवां है कोटा संभाग, कौन सा, कोटा संभाग, कौन सा, कोटा संभाग, कौन सा, कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं है, आप इसे ध्यान रखिएगा। कोटा संभाग के अंदर चार पहले भी थे, अभी भी है, कितने, चार जिले, कौन कौन से ध्यान रखना है साथियों, तो चार जिले कौन कौन से हैं, कोटा नंबर एक, कोटा दूसरा है बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, ठीक है साथियों, बारा और झालावाड़, राइट साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, झालावाड़, राइट साथियों, चलिए झालावाड़, ओके, आपको बात समझ में आ गई, ये हमारा कौन सा, कोटा संभाग। अब हम चलते हैं सीकर संभाग की तरफ, कितने, सीकर संभाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारा आठवां हो जाएगा सीकर संभाग, कौन सा, सीकर संभाग, राइट साथियों, चलिए आठवां है सीकर संभाग, सीकर संभाग की देख लेते हैं, सीकर में क्या है साथियों, सीकर संभाग को, सीकर संभाग जो बना है साथियों, इसके अंदर शेखावटी वाला क्षेत्र है, चार जिले मिलाए गए, टोटल कितने जिले साथियों, चार जिले इसमें शामिल किए गए, कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया है साथियों, एक तो है सीकर, कौन सा, सीकर, ठीक है साथियों, सीकर, दूसरा है झुंझुनू, सुनो साथियों ये दोनों जयपुर संभाग में थे, पहले कहां थे, जयपुर संभाग में थे, अभी से सीकर संभाग में मिला दिया है। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, बीकानेर संभाग में पहले चूरू आता था, कौन सा, बीकानेर जो संभाग है उसके अंदर पहले चूरू आता था, अब चूरू को बीकानेर संभाग से उठाकर कहां डाल दिया है, सीकर संभाग में, तो यहां पर चूरू आ जाएगा। और फिर आपको बताएं, इस सीकर और झुंझुनू दोनों से अलग हुआ है नीम का थाना, कौन सा, नीम का थाना, नीम का थाना, साथियों आप जानते हैं कि नीम का थाना में, नीम का थाने में गणेश्वर सभ्यता है, आप सभी जानते हैं गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित सभ्यता है, ये जो सभ्यता है इसकी खुदाई रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 में आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाई गई, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं, यहाँ से मछली पकड़ने का साथियों कांटा मिला है, यहाँ पर जो घर बने हुए थे साथियों इसमें ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, पत्थरों का प्रयोग किया गया था साथियों, यहाँ पर जो मटके मिले हैं, मृदभांड जो मिले गणेश्वर सभ्यता से, वो काले और नीले रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं साथियों, ठीक है, और इस सभ्यता के लोग तांबे का निर्यात कालीबंगा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता के लोगों को करते थे, ठीक है, ऐसी हमारी कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, जो पहले नीम का थाना तहसील सीकर में थी, लेकिन अब नीम का थाना खुद ही क्या बन गया, जिला, तो अभी हमारी गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में चली गई है, नीम के थाना जिले में चली गई है। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, एक सभ्यता और है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता, सुनारी जो सभ्यता है साथियों पहले झुंझुनू में थी, लेकिन झुंझुनू वाला पार्ट जहां पर सुनारी सभ्यता थी वो नीम के थाना जिले में आ गई है, तो सुनारी सभ्यता भी नीम के थाने जिले में चली गई है, यह एक लोह युगीन सभ्यता है, और यहाँ पर लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है, कहां से, सुनारी सभ्यता से, ठीक है साथियों, तो आपकी सुनारी और दूसरी सभ्यता कौन सी, गणेश्वर, ये दोनों ही नीम के थाना जिले में चली गई है, और यही नीम का थाना जिला सीकर संभाग में चला गया है, राइट साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो संभाग है वो देखिए साथियों हमारा हो जाएगा अजमेर संभाग, कौन सा, नवा अजमेर संभाग, कौन सा, अजमेर संभाग, कौन सा, अजमेर संभाग के बारे में बात करते हैं,
अजमेर संभाग, ठीक है साथियों। अजमेर संभाग में टोटल मिलाकर के 7 जिले, कितने 7 जिले, ये बात आपको ध्यान रखना है। नवीनतम इस समय अजमेर संभाग में टोटल कितने, एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, पहले इसमें कौन से थे, 4 थे, कौन कौन से, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, कौन से, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। लेकिन साथियों मैंने आपको बताया भीलवाड़ा को उठा करके उदयपुर संभाग में रख दिया है, तो पुराने 3 बज गए, कौन कौन से, एक नंबर पे अजमेर, कौन सा नंबर, एक पर अजमेर, कौन सा अजमेर, कौन सा अजमेर, कौन सा अजमेर, दूसरा कौन सा नागौर, कौन सा नागौर, और भीलवाड़ा जो था वो तो उदयपुर में चला गया, बचा कौन सा, टोंक, कौन सा साथियों, टोंक। ये 3 तो आपको ध्यान रखने, इसमें 4 नए जुड़े, कितने, 4 नए जुड़े। सुनो साथियों मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले अजमेर को देखो, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, हुआ कि नहीं हुआ, तो ब्यावर आ गया, कौन सा ब्यावर, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है। पांचवा और कौन सा, इस अजमेर और टोंक, अजमेर और अजमेर की कुछ तहसीलें, कुछ टोंक की तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनाया गया, केकड़ी, कौन सा केकड़ी, कौन सा केकड़ी जिला, कौन सा केकड़ी, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर साथियों और कौन सा बना, तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इस नागौर से अलग किया गया है और नागौर से अलग करके एक जिला बनाया गया जिसका नाम है डिडवाना कुचामन, तो ये भी इसी में आएगा, नाम है डिडवाना कुचामन, ठीक है, डिडवाना कुचामन, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिडवाना कुचामन। सातवा कौन सा है, सुनो, हमने साथियों यहां से भीलवाड़ा को उठा करके, यहां से हमने भीलवाड़ा को उठाया, अजमेर संभाग से उदयपुर संभाग में लेके चले गए, लेकिन भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा का टुकड़ा होकर के एक नया जिला बनाया गया शाहपुरा, कौन सा बोलो, भीलवाड़ा से अलग होकर के कौन सा बना, शाहपुरा, बना नहीं बना, उस शाहपुरा को हमने कहां ले जाकर के रखा है, इस अजमेर में रखा है, ठीक है। तो भीलवाड़ा तो चला गया कहां पर, उदयपुर संभाग में, और भीलवाड़ा का टुकड़ा हुआ शाहपुरा वो रखा है अजमेर संभाग में। ये ऐसी कुछ हमारी व्यवस्था है संभाग की, ठीक है साथियों। 9 संभाग हमारे हो गए हैं, एक संभाग लास्ट और पढ़ना है, ठीक है साथियों। 10वां संभाग है साथियों, ध्यान रखना, 10वां संभाग है, नाम है बीकानेर संभाग, कौन सा, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कोई परिवर्तन नहीं है, एकमात्र परिवर्तन हुआ है अभी मैंने आपको बता दिया, बीकानेर संभाग में टोटल 4 जिले हैं, 4 जिले, सुनो पहले क्या व्यवस्था थी उसको सुन लो, 4 जिले, कितने जिले साथियों, 4 जिले इसके अंदर कर आते हैं। सुनो कुछ भी चेंज नहीं है, एक ही चेंज आपको करना है, वो क्या है साथियों सुनिए, पहले इसमें बीकानेर संभाग में पहले बीकानेर आता था, आज भी बीकानेर है, लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है, दूसरा श्री गंगानगर आता था, श्री गंगानगर आज भी मौजूद है, कोई हलचल यहां पर नजर नहीं आएगी। फिर साथियों नंबर 3 पर हनुमानगढ़ है, आज भी हनुमानगढ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथियों आपको पता है श्री गंगानगर से एक टुकड़ा हुआ बना अनूपगढ़, चुरू तो कहां चला गया, चुरू को तो हमने इस बीकानेर संभाग से निकालकर सीकर संभाग में ले जा करके रख दिया, जबकि यहां बीकानेर में चुरू की जगह कौन आ गया, तो आ गया अनूपगढ़, कौन सा अनूपगढ़। पहले भी कितने थे, 4 जिले, आज भी कितने, 4 जिले, पर क्या फर्क आ गया कि चुरू यहां से निकल गया, अनूपगढ़ जुड़ गया। तो ये ऐसी कुछ हमारी क्या है साथियों, 10 के 10 मैंने नवीनतम संभाग, आपको कोई चीज रटनी नहीं है, आपको ऐसा रटना नहीं है कि बीकानेर संभाग में यही, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, आपको सारी चीजें समझनी है। जो जिले पुराने थे वो है, कुछ जिलों का फेरबदल हुआ है, बाकी जिस जिले से नवीनतम जिला बना है वो भी उसी संभाग में आ रहा है। तो साथियों कुछ ऐसी हमारी व्यवस्था हम लोगों ने संभाग में देखी, तो आई होप साथियों मैंने जितना भी आपको संभाग के बारे में समझाया है वो साथियों सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मुझे एक बार थम्स अप करो, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं मुझे एक बार बता दो कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे फटाफट से बता दो, सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताओ साथियों, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर हो गया, सभी साथी मुझे बता दें। संभाग हमने पूरे देख लिए हैं, पुरानी क्या व्यवस्था थी, पुराने से कौन सा निकाला गया, उसमें कौन सा मर्ज किया गया और कौन से, ऑल क्लियर है, सभी साथी कह रहे हैं कि गुरुजी ऑल क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सुनिए साथियों अब आगे मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अब हमारा एक नया सेशन शुरू हो रहा है, सेशन क्या है वो सुनो, अब हमने जिलों को तोड़ करके नए जिले बना दिए, क्या बना दिए, नए जिले बना दिए, अब उस जिले को बनाने में, अब नया जिला जो बना, जिस जिले को तोड़ा, उस तोड़े हुए जिले से हमने कौन कौन से ब्लॉक और कौन कौन सी तहसीलें उठाकर नया जिला बनाया, वो चीजें हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अनूपगढ़ जिला बना तो अनूपगढ़ जिले बनने में किस किस जिले का पुनर्गठन हुआ, ठीक है साथियों, ऐसे सारे पढ़ेंगे, तो किस जिले का पुनर्गठन हुआ और उस जिले का कौन सा ब्लॉक और उस ब्लॉक की कौन सी तहसील उस नए जिले में मिलाई गई,
ये बातें हम लोग एक एक को पढ़ने वाले हैं। यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, आप इसे एक बार सरसरी नजर से जरूर इसे देखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए राइट साथियों राइट ओके चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जिसको देखने वाले हैं वो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारा अनूपगढ़ जिला। कौन सा साथियों? अनूपगढ़ जिले की बात करेंगे। साथी सुनिए, अनूपगढ़ जिला पहले दो दो जिलों को तोड़कर बनाया गया था, उसका नाम है श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर। इसके अंदर अगर पहले आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर 6 ब्लॉक की 7 तहसीलें, कितनी साथियों? 6 ब्लॉक की 7 तहसीलें इसके अंतर्गत आती थी। लेकिन आपको बताएं, सरकार ने बीकानेर के 2 ब्लॉक की 2 तहसील, साथियों आपको ध्यान रखना है, एक तो छत्तरगढ़ और एक खाजूवाला, छत्तरगढ़ और खाजूवाला को पहले अनूपगढ़ में शामिल किया, बीकानेर वाला बीकानेर के 2 तहसीलें शामिल की गई। लेकिन सरकार ने कुछ समय बाद इस छत्तरगढ़ और खाजूवाला को वापिस से अनूपगढ़ से निकालकर बीकानेर में मिला दिया। वर्तमान समय में हमारा जो अनूपगढ़ है वो प्योरली श्री गंगानगर को तोड़कर बनाया गया है, उसकी 4 उपखंड की 5 तहसीलों से मिलकर बना है हमारा अनूपगढ़। कौन साथियों? तो आपको कोई परीक्षा में पूछे कि बताओ अनूपगढ़ जिले के लिए कौन से जिले का पुनर्गठन किया गया, आपके मुंह से आंसर आना चाहिए श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। कितने ब्लॉक? तो उसके 4 ब्लॉक, तहसीलें 5, राइट साथियों। चलिए मैं आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं कौन कौन से ब्लॉक। साथियों एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो ब्लॉक होता है एक ब्लॉक में एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती हैं। मैंने क्या बोला साथियों, आपको ध्यान रखना है कि एक उपखंड के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक बड़ा होता है, ब्लॉक के अंतर्गत तहसीलें आती हैं। सुनिए साथियों, ब्लॉक के अंतर्गत एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती हैं, ब्लॉक जो होता है वो स्वयं अपने आप में तहसील भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपकी सारी बातें क्लियर होती जाएगी, राइट साथियों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो जिला बना है उस जिले का नाम है अनूपगढ़। नंबर 1 पर आप भी इसे लिखिएगा साथियों, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, मैं आपको पूरी ज्योग्राफी करवाने वाला हूं साथियों, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है साथियों, आपके हाथ में आपकी कॉपी, आपका रजिस्टर और आपकी कलम होनी बहुत जरूरी है। एक अच्छे विद्यार्थी के यही लक्षण है कि वो हर चीज को ध्यान से सुने, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप के साथ में प्रेजेंट रहे, और साथ ही साथ उसकी कलम और उसके जो रजिस्टर, उसकी जो पुस्तिका है वो साथ में, साथ ही साथ वो नोट डाउन करता रहे, ये एक अच्छे विद्यार्थी की क्या होती है? गुण होते हैं। फिर आपकी मर्जी साथियों, आप नोट्स बनाना चाहे तो भी बनाइए, और आप सुनकर आपका किसी भी चीज को सुन करके फिर आप अच्छे से उसको केंद्रित कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है साथियों, आप पे डिपेंड करता है, मेरा कहने का फर्ज है, मैंने आपको कहा है आप इसका पालन करो ना करो वो आपकी जिम्मेदारी है, राइट साथियों। हम लोग शुरू करते हैं अनूपगढ़ जिले को, राइट साथियों। सबसे पहले अनूपगढ़ जिले के लिए श्री गंगानगर जिले का, कौन से? श्री गंगानगर जिले का क्या किया गया है? पुनर्गठन। ठीक है साथियों, गंगानगर जिले का पुनर्गठन किया गया है, जिले का क्या हुआ है? पुनर्गठन। इसका मतलब यही आपको सिंपल भाषा में, हमारी देशी भाषा में कहें तो श्री गंगानगर जिले को तोड़कर अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। इसके अंदर कौन कौन से उपखंड है सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तरफ हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर कौन सा उपखंड, उपखंड कौन सा जिसको आप ब्लॉक बोलोगे, और उसके बाद उस ब्लॉक की कौन सी तहसील इसमें मिलाई गई है। ठीक है, और ऐसे हमारा क्या बनेगा? अनूपगढ़ बनेगा। नंबर 4, कुल मिलाकर हमारी 4 उपखंड, कितने साथियों? 4 उपखंड, कितने? 4 उपखंड हम लोगों ने मिलाए हैं, उसके अंदर तहसीलें 5 है। मैंने कहा कि एक उपखंड में तहसीलों की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, उपखंड स्वयं अपने आप में तहसील भी होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहले है अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिले की उपखंड का नाम है अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ उपखंड इसी की तहसील है, नाम है अनूपगढ़। और यहीं से आपको पता है अनूपगढ़ में जितना भी कार्य होगा साथियों वो इसी ब्लॉक पर बैठकर इसी यही जिले का मुख्य केंद्र होगा। आपके जिला मुख्यालय अनूपगढ़ होगा, ये अनूपगढ़ जो ब्लॉक है इसी को जिला मुख्यालय बनाया है। ठीक है, और इसी ब्लॉक की तहसील है अनूपगढ़। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, नाम है रायसिंह नगर, ब्लॉक का नाम है रायसिंह नगर। क्या नाम है साथियों? रायसिंह नगर। कौन सा? रायसिंह नगर। ठीक है, रायसिंह नगर, और मैंने कहा कि ब्लॉक है वो तहसील जरूर होगी, तो ये रायसिंह नगर यहाँ पे भी छपेगा। ठीक है, रायसिंह नगर। ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखना है,
रायसीय नगर उप ब्लॉक का रायसीय नगर तहसील इसमें मिलाई गई है। तीसरा है श्री विजय नगर, कौन सा श्री विजय नगर, कौन सा श्री विजय नगर साथियों, और इसकी कौन सी श्री विजय नगर, कौन सी श्री विजय नगर जो ब्लॉक है वो तहसील भी होगी विजय नगर, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई श्री विजय नगर। फिर साथियों आप देखिएगा अगला है गढ़साना, कौन सा गढ़साना ब्लॉक, और गढ़साना ब्लॉक की दो तहसीलें मिलाई गई है, एक का तो नाम है गढ़साना और दूसरी है रावला, कौन सी रावला। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों अनूपगढ़, पहले क्या था मैंने आपको बताया इसमें खाजूवाला और छत्तरगढ़ बीकानेर की दो तहसीलें इसमें मिलाई गई थी, दोनों ब्लॉक की दो तहसीलें मिलाई गई, लेकिन सरकार ने वापस नोटिफिकेशन निकालकर बीकानेर की जो तहसीलें अनूपगढ़ में मिलाई उसे वापस किसमें मिला दिया बीकानेर में। ऐसा कुछ हमारा अनूपगढ़ है जिसे आज अब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों क्लियर है मुझे बता दो, फिर मैं दूसरे जिले की तरफ आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है साथियों, चलिए अब दूसरा जिला हम लेने वाले हैं, उस जिले का नाम है बालोतरा, कौन सा साथियों बालोतरा। ठीक है आपका शिवाना का दुर्ग जो है, शिवाना का दुर्ग पहले आप लोग बाड़मेर में पढ़ते थे, अब शिवाना का दुर्ग बालोतरा में चला गया, कहाँ चला गया बालोतरा में चला गया है। ठीक है साथियों आपको ध्यान रखना है, संत पीपा जो थे, संत पीपा का जो मुख्य मंदिर पहले समदड़ी बाड़मेर के अंदर था, अब समदड़ी बालोतरा में चला गया है, कहाँ चला गया साथियों समदड़ी बालोतरा के अंदर चला गया है। ठीक है साथियों चलिए ऐसा हमारा हम पढ़ने वाले हैं बालोतरा को, किसको पढ़ेंगे हमारा दूसरा जिला है बालोतरा, किसको पढ़ने वाले हैं बालोतरा को। चलिए दूसरा जिला है हमारा बालोतरा, कौन सा बालोतरा जिला को हम लोग पढ़ने वाले। बालोतरा जिले का के लिए पुनर्गठन किसका किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बालोतरा जिले के लिए हमने पुनर्गठन किसका किया है, तो किया है साथियों बाड़मेर का, किसका बाड़मेर का, राइट साथियों किसका बाड़मेर जिले का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है बाड़मेर जिले का टुकड़ा किया गया, जिले का पुनर्गठन किया गया। ठीक है साथियों ये बात आपको ध्यान रखनी है, पुनर्गठन किया गया, तो आपको पूछे बालोतरा जिला किस जिले के पुनर्गठन से बना है, आपको गुरुजी बाड़मेर। ठीक है साथियों चलिए आगे बढ़े, तब आप एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल चार ब्लॉक तहसीलें सात, बोलो कितनी चार का सात, क्या बोलोगे साथियों क्रम संख्या उपखंड कौन कौन सा, उपखंड टोटल चार है, और कितने साथियों तहसीलें कितनी, उपखंड कितने चार, और चार उपखंड की तहसीलें कितनी सात, कितनी तहसीलों की संख्या चार, तो उपखंड और सात तहसीलों से मिलकर बना है कौन सा हमारा बालोतरा जिला, कौन सा बालोतरा। सबसे पहले देखो साथियों सबसे पहले नंबर वन पर आप देखेंगे, नंबर वन पर सबसे पहला ब्लॉक है बालोतरा, कौन सा बालोतरा। इस बालोतरा उपखंड बोलो या ब्लॉक बोलो एक ही बात है, इस बालोतरा उपखंड की जो उपखंड वो तहसील क्या होगी, तहसील तो बालोतरा तो है ही है, और इसी बालोतरा उपखंड के अंतर्गत आने वाला एक और तहसील है, नाम है कल्याणपुर। तो आपको ध्यान रखना है बालोतरा उपखंड की तहसील बालोतरा और कल्याणपुर को, जो पहले बाड़मेर में थे अब इन्हें किसमें मिला दिया साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा इनको किसमें मिला दिया गया है, तो इनको बालोतरा में मिला दिया गया है। नंबर दो पर चलिए, बालोतरा के बाद नंबर दो पर शिवाना, ये जो आपका शिवाना का जो दुर्ग है आप सभी जानते हैं पहले बाड़मेर में था, अब कहाँ चला गया साथियों बालोतरा में चला गया। इसकी दो तहसीलें, एक तो शिवाना खुद, कौन सी शिवाना, और दूसरी है समदड़ी, कौन सी समदड़ी। ठीक है साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि इसी समदड़ी के अंदर संत पीपा का मुख्य मंदिर बना हुआ है आप सभी जानते हैं, लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि संत पीपा कौन साथियों, संत पीपा की गुफा कहां पर है साथियों, संत पीपा एक तो संत पीपा की छतरी गागरन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है संत पीपा जो थे उस संत पीपा की क्या साथियों, तो संत पीपा की गुफा कहां पर है, तो टोडा रायसीय पहले टोंक पढ़ते थे अब केकड़ी में, कहां हो गया है केकड़ी में। ठीक है साथियों तो तीन चीजें आपको संत पीपा के बारे में भी ध्यान रखनी है, संत पीपा की जो छतरी है वो तो गागरन दुर्ग के अंदर, गागरन कहां पर झालावाड़ के अंदर, उसकी गुफा टोडा रायसी है टोंक, जो टोंक की जगह टोडा रायसी केकड़ी में चला गया। और फिर साथियों आपको ध्यान रखना है संत पीपा का मुख्य मंदिर कहां पर है, समदड़ी, जो पहले बालोतरा बाड़मेर में था अब बालोतरा में चला गया। चलिए साथियों नेक्स्ट आप ध्यान रखना, शिवाना के बाद नेक्स्ट है बायतू, कौन सा बायतू ब्लॉक है, और इस बायतू ब्लॉक का आपको ध्यान रखना है तहसील है बायतू, कौन सी बायतू, और एक और तहसील है इसकी नाम है गीड़ा, क्या नाम है साथियों गीड़ा तहसील, कौन सी गीड़ा तहसील आपको ध्यान रखना है। और चौथे नंबर पर आपको ध्यान रखना है सिंहदरी, कौन सी जगह का नाम है ब्लॉक का नाम है सिंहदरी, और सिंहदरी ब्लॉक का तहसील है सिंहदरी। ठीक है साथियों ऐसा कुछ हमारा बालोतरा है। ठीक है कितनी हो गई साथियों,
चार तो हो गए हमारे ब्लॉक और तहसीलें, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात सिंधरी, टोटल हो गए सात। तो बालोतरा हमारा जिला चार उपखंड और कितने साथियों, कितने सात तहसीलों से मिलकर बना है, चार उपखंड और सात तहसीलों से मिलकर बना है हमारा बालोतरा जिला। राइट साथियों, क्लियर है कौन से जिले का पुनर्गठन किया गया, बाड़मेर जिले का। चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्यावर जिले की तरफ चल रहे, हमारा तीसरा जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है ब्यावर। ठीक है साथियों, ब्यावर जिले के पुनर्गठन में तीन जिलों का, ब्यावर जिले का जो पुनर्गठन किया गया है साथियों उसके अंदर तीन जिलों का पुनर्गठन किया गया है, उसमें नंबर वन एक तो है पाली, पाली के बाद आपका अजमेर और फिर है भीलवाड़ा। कौन कौन सा, पाली अजमेर और भीलवाड़ा, तीन जिलों का क्या किया गया है साथियों, पुनर्गठन करके नया जिला बनाया गया है। कौन सा साथियों, ब्यावर जिला। कौन सा, तो अजमेर पाली और भीलवाड़ा तीन जिलों का पुनर्गठन करके बना है ब्यावर जिला। कौन सा, ब्यावर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा तीसरा, कौन सा साथियों, हमारा जो तीसरा जो है साथियों, तीसरा जो नवीनतम जो जिला बना है उसका नाम क्या है साथियों, कौन सा, ब्यावर। कौन सा, ब्यावर जिला। कौन सा जिला साथियों, ब्यावर जिला। ब्यावर जिला आप जानते हैं, ब्यावर जिले के लिए तीन जिले, कितने साथियों, तीन जिले, कितने, तीन। एक तो अजमेर, कौन सा, मैं सारी बातें बताऊंगा कि कौन सी अजमेर की है, अजमेर, कौन सी पाली की तहसील मिलाई गई है इसके अंदर और कौन सी भीलवाड़ा की मिलाई गई है, तीन जिलों का क्या किया गया पुनर्गठन। ठीक है, तो अजमेर पाली और भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जिलों का पुनर्गठन किसके लिए किया गया साथियों, तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए किया गया है, ब्यावर जिलों को बनाने के लिए। अब समझो साथियों सारी बातें एक एक करके आपको समझना है, कौन कौन सा क्रम से आपको ध्यान रखना है, क्रम संख्या, ब्लॉक और कौन से साथियों, एक तो सीरीज आपको ध्यान रखनी है, ब्लॉक कौन सा, जो ब्लॉक इसके अंदर मिलाया गया है और फिर उस ब्लॉक की तहसील कौन सी। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर साथियों सुनो, यहाँ पर टोटल टोटल ब्लॉक कितने, कितने, छह का सात, कितना साथियों, छह का सात, आप ध्यान रखिए छह उपखंड की तहसीलों की संख्या सात है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा ब्यावर बनेगा। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं, आप एक एक करके नोट करते रहो। सबसे पहले जो ब्लॉक है उसका नाम है ब्यावर ब्लॉक। कौन सा, पहला है ब्यावर ब्लॉक। कौन सा साथियों, ब्लॉक का नाम है ब्यावर ब्लॉक। ब्यावर ब्लॉक की तहसील भी क्या हो जाएगी, ब्यावर, नंबर वन। नंबर दो पर चलो साथियों, ब्यावर के बाद नंबर दो पर आएगी टोटगढ़। कौन सी, टोटगढ़। ठीक है साथियों, टोटगढ़। ठीक है, टोटगढ़ का दुर्ग आप जानते हो, टोटगढ़ का दुर्ग पहले अजमेर के अंदर था, अब टोटगढ़ का किला ब्यावर में चला गया है। इसी टोटगढ़ दुर्ग का पुराना नाम बोरासवाड़ा था। क्या था साथियों, बोरासवाड़ा नाम था टोटगढ़ दुर्ग का। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, नवीनतम निर्माण करवाया था टोटगढ़, इसीलिए इसका नाम टोटगढ़ पड़ा। और टोटगढ़ दुर्ग का पुराना नाम आप जानते हैं बोरासवाड़ा था। क्या था, बोरासवाड़ा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि टोटगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है। ठीक है साथियों, तो टोटगढ़ ब्लॉक की तहसील हो जाएगी कौन सी, टोटगढ़। कौन सी, टोटगढ़। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। नंबर तीन पर आप देखिए टोटगढ़ के बाद फिर है जेतारण। ठीक है, जेतारण आप जानते हैं साथियों, एक युद्ध है इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध। इसी युद्ध को हम लोग जेतारण का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध 1544 ईस्वी में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया साथियों, आप सभी जानते हैं। और इस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की क्या गवा देता, मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गवा देता। ऐसा हमारा जेतारण का जो युद्ध, गिरी सुमेल का जो युद्ध, अब वही जेतारण पहले जो पाली में आता था अब ब्यावर में चला गया है। ठीक है साथियों, तो 1544 का वह युद्ध जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें जीत शेरशाह सूरी की होती है। ठीक है साथियों, चलिए ये कौन सा साथियों, जेतारण, जेतारण ब्लॉक। और ये जेतारण ब्लॉक की तहसील कौन सी, जेतारण। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े हमारे नंबर चार पर। नंबर चार पर आपको ध्यान रखना है, जगह है रायपुर, ब्लॉक का नाम है रायपुर। और जो रायपुर ब्लॉक है वो रायपुर ब्लॉक की तहसील का नाम भी रायपुर। ठीक है साथियों, नंबर पांच पर आपको ध्यान रखना है, रायपुर के बाद में मसूदा, मसूदा आपको ध्यान रखना है। मसूदा पूरे राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है। मैं जब आपको ब्यावर को डिटेल से पढ़ाऊंगा सारी बात हम वहां लिखेंगे, पर आपको ध्यान रखना है मसूदा राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव है। मसूदा पहले अजमेर में आता था लेकिन अब ये ब्यावर में चला गया है। तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन से जिले में है, अब वो अजमेर में नहीं रहा, वो ब्यावर में चला गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इसके अंदर एक तो तहसील है मसूदा, कौन सी, मसूदा। और इसी मसूदा ब्लॉक की एक है विजयनगर। कौन सा,
विजयनगर ये दो तहसीलें किसमें मिलाई गई है साथियों, तो ये मिलाई गई है ब्यावर में। फिर आपको साथियों ध्यान रखना है लास्ट है बदनोर, बदनोर कौन सा, बदनोर ठीक है, बदनोर ठीक है साथियों, बदनोर, बदनोर पहले भीलवाड़ा में था, आप जानते हैं बदनोर की हवेली भीलवाड़ा के अंदर थी, अब बदनोर की हवेलियां कहां चली गई, ब्यावर में, तो बदनोर कहां चला गया साथियों, अब आपका बदनोर कहां हो गया साथियों, ठीक है, तो कहां पर हो गया साथियों, तो बदनोर कहां चला गया साथियों, तो ये ब्यावर में चला गया, चला गया ठीक है, कुशाल माता का मंदिर ठीक है। चलो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ठीक है। चलो तो कुल मिलाकर कितने ब्लॉक हो गए, एक दो तीन चार पांच और छह ब्लॉक, और तहसीलें एक दो तीन चार पांच छह और सात, ऐसा कुछ हमारा ब्यावर है, इसे आप रट लेना साथियों, परीक्षा में घूम घूम के ये बातें आएगी। अब सुनो साथियों मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये दोनों ब्यावर और टोटगढ़ ये दोनों अजमेर जिले से ली गई है, कहां से ली गई, अजमेर जिले से है ना, जेतारण और रायपुर ये दोनों पाली से लिया गया है, ये दोनों पाली जिले की तहसील है ध्यान रखना। फिर आपका मसूदा और विजयनगर ये वापिस अजमेर के, कहां के साथियों, अजमेर के, जबकि भीलवाड़ा की एक ही तहसील यहाँ पर ली गई है वो है बदनोर भीलवाड़ा। ऐसा कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तीन जिलों का पुनर्गठन हुआ है, एक तो अजमेर, अजमेर का कौन कौन सा, ब्यावर टोटगढ़ मसूदा और विजयनगर चार तहसील, चितारण और रायपुर पाली की तहसील है, और एक बदनोर की, ऐसा कुछ हमारा ब्यावर बना है ठीक है साथियों। ऑल क्लियर है मुझे बता दो, ऑल क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अब चलते हैं हमारा चौथा जो जिला नया बना है उसका नाम है डीग जिला, कौन सा, डीग जिला बना है, भरतपुर को तोड़ के बनाया गया है, तो भरतपुर जिले का पुनर्गठन हुआ, कौन से जिले का, भरतपुर, तो चौथा हमारा कौन सा है, तो आप ध्यान रखिएगा चौथा हमारा जो बना है वह है डीग, कौन सा, डीग, कौन से जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है, तो डीग जिला, कौन सा, डीग जिला बना है साथियों, डीग जिला, कौन से जिले का पुनर्गठन है, तो आप ध्यान रखिएगा भरतपुर जिले का पुनर्गठन करके, कौन से जिले का, भरतपुर जिले का पुनर्गठन, कौन से, भरतपुर जिले का पुनर्गठन, कौन से, भरतपुर जिले का पुनर्गठन करके इसको बनाया गया है, ये बात आप इसे ध्यान रखिएगा ठीक है साथियों। इसके अंदर आप देखेंगे तो छह उपखंड है, कितने, छह उपखंड, कितने साथियों, छह उपखंड टोटल है, छह उपखंडों की नौ तहसीलें इसमें मिलाई गई है, कितनी साथियों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, तो साथियों उपखंड कौन कौन से हैं, उपखंड ठीक है, और उसके अलावा उपखंड के बाद तहसील है ठीक है, कितनी है आपको ध्यान रखना है, कितनी कितनी है, एक एक करके हम डिटेल से सारी बातों को देखेंगे। चलो साथियों उपखंड कितने, तो उपखंड छह, कितने, छह, और तहसीलें कितनी, नौ, ऐसा कुछ हमारा डीग बनेगा ठीक है। चलिए एक एक करके सभी को लिख लेते हैं कौन सा उपखंड है और कौन सी तहसील है। नंबर एक सबसे पहले डीग में आप देखोगे तो सबसे पहले डीग, कौन सा, सबसे पहला उपखंड है डीग, इसकी इसकी जो तहसील है उसका नाम है डीग, कौन सी, डीग तहसील। इसके अलावा इसी डीग ब्लॉक की एक तहसील और है जिसका नाम है जनुथर, क्या, जनुथर, दो तहसील है साथियों। आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो साथियों आपको मैदान में डटे रहना पड़ेगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा, और अगर नौकरी लेनी है तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए ठीक है साथियों। कोई चीज कठिन नहीं होती, कठिन चीजों को ही पढ़कर सरल बनाया जाता है ठीक है साथियों। चलिए राइट, इसलिए पढ़ाई से डरो मत ठीक है, पढ़ाई से प्रेम करो ठीक है साथियों। आपकी किताबों से आपका प्रेम होना चाहिए ठीक है। अगर आप मन में ये सोच लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में सारी बातें आएगी, अगर मैं इतने अच्छे पूरी एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूं तो साथियों आपको भी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना चाहिए साथियों। ऐसे ही मैं पूरी भूगोल को इसी एनर्जी के साथ आपके सामने लेकर के आऊंगा और पूरी खत्म भी करूंगा ठीक है साथियों। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके विश्वास पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे राइट साथियों। चलिए दूसरा है कुम्हेर, कौन सा, कुम्हेर, कौन सा, दूसरा जो ब्लॉक है उसका नाम है कुम्हेर, इसकी तहसील है कुम्हेर, कौन सी साथियों, कुम्हेर, कौन सी, इसकी जो तहसील है उसका नाम क्या है साथियों, कुम्हेर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले डीग, डीग में हो जाएगा आपका कौन सा, डीग और जनुत्तर, फिर कुम्हेर के अंदर एक तो है कौन सा साथियों, कुम्हेर, दूसरा आपको एक तहसील का नाम ध्यान रखना है, उस तहसील का नाम है रारह, क्या नाम है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, ये तहसील है कुम्हेर ब्लॉक की ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा अगला जो ब्लॉक मिलाया गया है उसका नाम है नगर, कौन सा, नगर ब्लॉक है, नगर ब्लॉक की तहसील है नगर, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर चार पर साथियों आपको ध्यान रखना है सीकरी, कौन सा, सीकरी ब्लॉक है, और सीकरी ब्लॉक की तहसील भी है सीकरी, कौन सी, सीकरी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है पांचवें नंबर पर सिकरी के बाद कामा, ठीक है कामा, तो ब्लॉक का नाम है कामा और इस कामा ब्लॉक की जो तहसील है उसका नाम है कामा, ठीक है। उसके अलावा साथियों एक और तहसील है जिसका नाम है जूरहरा, क्या नाम है बेटा जूरहरा, आपको ध्यान रखना है ये तहसील भी इसके अंदर मिलाई गई है, ठीक है जूरहरा, कौन सी जूरहरा। और उसके अलावा छठा जो आपका ब्लॉक है वो आपको ध्यान रखना है कामा के बाद नाम है पहाड़ी, कौन सा ब्लॉक का नाम है पहाड़ी, और इसी पहाड़ी ब्लॉक का जो तहसील है उसका नाम है पहाड़ी, क्या नाम है बच्चों पहाड़ी नाम है। और उसके अलावा एक और है उसका नाम बस एक ही है, ठीक है हो गए ना नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, नौ तहसीलें और उपखंड कितने हो गए डी कुम्हेर नगर सिकरी कामा और पहाड़ी, तीन और तीन छह, तीन और तीन छह, ठीक है। तो डीग जिला हमारा भरतपुर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसके अंदर साथियों आपको ध्यान रखना है कि टोटल ब्लॉकों की संख्या छह है साथियों, और साथ में क्या है साथियों नौ तहसीलों से मिलकर बना है, कौन सा डीग जिला, कौन सा साथियों डीग जिला मिलकर बना है। साथियों सारी बातें समझ में आ रही है, फिर हम लोग चलते हैं अब हमारा सबसे छोटा जिला, आपको अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका आंसर आना चाहिए दूदू जिला, ठीक है साथियों कौन सा जिला दूदू, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर आपको पूछा जाए आपका आंसर होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा जैसलमेर, कौन सा जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दूदू। तो चलो हम लोग चलते हैं दूदू की तरफ, हमारा दूदू कैसा है, कौन कौन सी तहसीलों से मिलकर बना है, सिर्फ तीन तहसीलों से मिलकर बना है दूदू जिला, जयपुर का पुनर्गठन करके इसको बनाया गया है, ठीक है साथियों, जिसके अंदर मौजमाबाद दूदू और फागी तीन ही उपखंड और तीन ही उपखंडों की तीन तहसील इसमें मिलाई गई है। चलिए हम लोग आज का अंतिम जो बिंदु है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि एक घंटा कैसे बीत गया साथियों, कि गुरुजी की क्लास तो अभी शुरू हुई ये भी खत्म हुई, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि क्लास इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे हैं इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आपका एक घंटा एक साल जैसा निकल रहा है इसका मतलब आप बोर सा फील कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है साथियों। अगर एक घंटा बहुत जल्दी से निकला ऐसा आपको फील हुआ है इसका मतलब आपको क्लास की एक एक बात समझ में आ रही है, ठीक है साथियों। चलिए है ना, तो साथियों हमारा जिला है दूदू जिला, कौन सा दूदू जिले को हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूदू जिला कौन से जिले के पुनर्गठन से बना है साथियों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा दूदू जिला जिस जिले के पुनर्गठन से बना है उसका नाम है जयपुर जिला, कौन सा जयपुर, ठीक है साथियों जयपुर जिले का पुनर्गठन हुआ, जयपुर जिले का पुनर्गठन। आपको यू नहीं पूछना है गुरु जी कि जयपुर ग्रामीण का हुआ जयपुर शहर का, अरे साथियों वो तो बाद में बने हैं, जयपुर जो मेन प्रॉपर था उसी का तो पुनर्गठन करके हमारा जयपुर शहर, शहर तो था ही था, जयपुर ग्रामीण बना, कोटपुतली बारोड बना, आपका दूदू बना, ठीक है। सबसे ज्यादा पुनर्गठन जयपुर का हुआ है साथियों, ठीक है, तो जयपुर जिले का क्या किया गया है पुनर्गठन, ठीक है साथियों ये बात आपको ध्यान रखनी है, पुनर्गठन हुआ है और इसके अंदर कितना क्या है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या देखेंगे, फिर इसमें कौन सा उपखंड जयपुर का मिलाया गया है साथियों, उसके बाद इसके अंदर कौन सी तहसील मिलाई गई है, ठीक है साथियों आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कितनी तहसील मिलाई गई है, सारी बातों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तीन उपखंड की तीन तहसील इसमें मिलाई गई है, नंबर वन टू एंड देन थ्री। सबसे पहले मौजमाबाद, कौन सा मौजमाबाद, ठीक है मौजमा, कौन सा मौजमाबाद, कौन सा साथियों मौजमाबाद, कौन सा मौजमाबाद, ठीक है इस ब्लॉक का तहसील है मौजमाबाद, कौन सी मौजमाबाद, ठीक है मौजमाबाद। दूसरी जो हमारा उपखंड है उसका नाम है दूदू, कौन सा दूदू, और यही जिला मुख्यालय है इस दूदू का, ठीक है साथी साथियों। चलिए आगे बढ़े दूदू और लास्ट है फागी, कौन सा फागी, कौन सा फागी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कौन सा साथियों, तो आप ध्यान रखेंगे फागी, कौन सा फागी, कौन सा फागी, और फागी उपखंड का जो तहसील है उस तहसील का नाम भी क्या है साथियों फागी, क्या नाम है फागी, ऐसा कुछ हमारा दूदू है, राइट साथियों। सारी बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स सभी साथियों को। अब घड़ी इशारा कर रही है आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाए साथियों, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा साथियों। मैंने आज पूरे संभाग आपको पूरे डिस्कस करके डिटेल से बता दिए हैं, अब हम लोग यहाँ पर पांच जिले जो नवीन बने उसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया है, राइट साथियों।
साथियों अरविंद सर की जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो कल 11 बजे होगी साथियों, तो आप 11 बजे सर के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 11 बजे सर की क्लास होगी, राइट साथियों? नेक्स्ट क्लास कल है सर, सर की 11 बजे। ठीक है साथियों, क्लास को यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स, पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू।